एक बाइक और स्कूटी पर चलने वाला एक गैंग सक्रिय था, जिन्होंने कई महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग घटनाओं को अंजाम दिया था। इसी क्रम में जब लगातार चेकिंग की जा रही थी, तो नैनी पुलिस और SOG की टीम के द्वारा कल शाम को एक मुठभेड़ में अभिनव शर्मा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुठभेड़ में व्यक्ति घायल भी हुआ। उस अपराधी के साथ जब आगे पूछताछ की गई, तो उसके गैंग के दो अन्य सदस्य, जिनका नाम, एक का नाम अनुराग सोनकर और एक का नाम विजय कुमार वर्मा है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से अनुराग सोनकर इस अभिनव शर्मा के साथ में जाकर चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देता था। इसमें से इन दोनों ने आपस में कुल 12 चैन स्नैचिंग की घटनाओं को नैनी थाना क्षेत्र में अंजाम दिया है पिछले एक महीने के अंदर। जो विजय कुमार वर्मा नामक व्यक्ति है, इसकी एक सोने की दुकान है, जहाँ पर ये लोग लूटी हुई चैनों को बेचते थे। वहाँ पर उसको सोने में गलाकर अंगूठी बनाकर बाकी लोगों को बेचा करता था। इस प्रकार से इन लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, इन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। साथ में इन लोगों के पास से एक स्कूटी, एक मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का तमंचा, कुछ जिंदा कारतूस, करीब 82,000 टोटल नगद अमाउंट में पैसे और कुछ सोने की धातु बरामद हुई है। इन सभी को अब गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। कितने समय से ये इस कार में सक्रिय थे, क्या वजह थी? जो पूछताछ में प्रारंभिक रूप से जानकारी मिली है, उसके अनुसार अभिनव शर्मा लगभग 1.5 महीने से इस काम में सक्रिय था। शुरुआत इसने IPL में एक सट्टे में लगे पैसे हारने की वजह से, इसने जो कर्ज ले रखा था उससे चुकाने के लिए इसने ये काम करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद में इसने इसको अपना रोजगार बना लिया था और पिछले 1.5 महीने से ये काम कर रहा था।